हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये नवरात्रि के व्रत के समय ये 9 दिन हर रोज़ क्या खाए इस बारे में थोड़ा परेशानी रहते हैं हम लोग। अगर सागूदाना खा भी लेते हैं तो एक ही टाइप की सागू की खिचड़ी या ऐसा ही कुछ खाते हैं। आज मैं सागू की एक ऐसी रेसिपी दिखाऊंगी जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में है लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने इधर ले लिया है 50 ग्राम नॉर्मल सागूदाना। उसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था 5 से 6 बार, और धोने के बाद मैंने इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और जब खाने का समय आएगा उस समय मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी। अभी मैं सागू को अच्छे से छान रही हूँ एक अलग कटोरी में। अब उसमें मैं मिला रही हूँ 3 ठो केला। अब इस साइज़ का केला होगा तो 3 ही मिलाना, अगर इससे बड़ा होगा तो 2 केला मिलाना। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं मिला रही हूँ खट्टा दही। दही मैंने घर पर ही सेट कर लिया था। अगर दही की रेसिपी आपको चाहिए कैसे घर पर इजीली दही सेट करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों को दही की रेसिपी दिखा दूँगी। अब मैं इसमें मिलाऊँगी 1 टेबल स्पून खजूर की गुड़। अब दही को देखिए बहुत अच्छे से मैं मिला रही हूँ। अब ऐसे ही दही के साथ सागू को अच्छे से मिलाइए। अब खजूर की गुड़ तो मेरे घर पे पूरे साल मैं स्टोर करके रखती हूँ। अगर आपके पास खजूर की गुड़ नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी मिला देना 2 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैंने मिला दिया कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब फिर से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं मिला रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, नॉर्मल मिल्क पाउडर। इसे भी अच्छे से मिला दीजिए। अब तैयार हो गया मेरा सागू बहार। इसको मैंने 1 टेबल स्पून खजूर की गुड़ और 1 टेबल स्पून दही के साथ परोसा है। कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना।